पढ़ रहे थे उसी की कंटिन्यूएशन में मैंने पढ़ाया था व्हाट इज ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग क्लास क्या होती है, पर्पस ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, तरह तरह के क्लासिफिकेशन बताए थे, ATC क्लासिफिकेशन सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ATC कोड, USP क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज ऑफ ड्रग, एंड देन ये था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, हम नेक्स्ट की केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कैसे कैटेगराइज करते हैं. दिस टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ ड्रग्स इज फ्रॉम अ केमिकल परस्पेक्टिव एंड कैटेगराइजेस देम बाय देयर केमिकल स्ट्रक्चर. जिन ड्रग्स का, मेडिसिन का केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं और जिनका अलग होता है उनको दूसरे ग्रुप में रखते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग क्लासेस दैट आर बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर्स इंक्लूड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बेंजोडाइजेपीन्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, फाइब्रेट्स, ओपियोइड्स, थायजाइड डायुरेटिक एंड स्टीरॉइड्स एंड सो ऑन. बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर के होते हैं. नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. दिस टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन इज फ्रॉम अ फार्माकोलॉजिकल परस्पेक्टिव एंड कैटेगराइजेज देम बाय देयर बायोलॉजिकल टारगेट, कि ये किस पे काम करते हैं, इनका टारगेट क्या है. ड्रग क्लासेस दैट शेयर अ कॉमन मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय मॉड्यूलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट. बायोलॉजिकल टारगेट में ये समझाती हूँ कि बॉडी में किस चीज़ पे, कौन से टारगेट पे जाके ये काम करते हैं, कि अल्फा ब्लॉकर पे करते हैं, कि बीटा ब्लॉकर्स पे करते हैं, कि प्रोटोन पंप पे करते हैं, वो तो हो गया उनका टारगेट, प्लस कि वहाँ पे जाके क्या उनका एक्शन होता है. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, क्या मॉड्यूलेट, क्या एक्टिविटी करते हैं, तो जिनकी सेम है उनको एक क्लास में रखते हैं. जैसे ACE इनहिबिटर्स हैं, उसमें कई सारी दवाइयाँ जो कि ACE इनहिबिटर्स हैं उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे. बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो डोपामिन एंटागोनिस्ट हैं उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे. तो इस तरीके से हम अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय मॉड्यूलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल टारगेट. एग्जाम्पल्स आर ACE इनहिबिटर्स, अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर्स, डोपामिन एगोनिस्ट, डोपामिन एंटागोनिस्ट, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, कोलिनर्जिक्स, डोपामिनर्जिक्स एक्सेट्रा. और भी क्लासेस हैं. देन ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन, कि क्या चेंज करते हैं उसमें, क्या फंक्शनल और एनाटॉमिकल चेंज ये बॉडी में लाते हैं उसके हिसाब से. दिस टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ ड्रग्स इज फ्रॉम अ बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव एंड कैटेगराइजेज देम बाय द एनाटॉमिकल और फंक्शनल चेंज दे इंड्यूस. क्या एनाटॉमिकल चेंज करते हैं और क्या फंक्शनल चेंज करते हैं बॉडी में जाके, उसके बेसिस पे इनको ड्रग्स को डिवाइड किया है. ड्रग क्लासेस दैट आर डिफाइंड बाय कॉमन मोड्स ऑफ एक्शन दैट इज द फंक्शनल और एनाटॉमिकल चेंज दे इंड्यूस इंक्लूड्स डायोरेटिक और एंटी डायोरेटिक्स, आइनोट्रॉप्स पॉजिटिव और नेगेटिव, क्रोनोट्रॉप्स पॉजिटिव और नेगेटिव, ब्रोंकोडायलेटर्स. ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं, जाके ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं. डिकंजेस्टेंट्स कंजेशन कम करते हैं. एंटी थ्रोम्बोटिक्स थ्रोम्बस बनने से रोकते हैं. एंटी फंगल्स जो फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं. एंटी माइक्रोबियल्स एंड सो ऑन. थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन. दिस टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ ड्रग्स इज फ्रॉम अ मेडिकल परस्पेक्टिव एंड कैटेगराइजेज देम बाय द पैथोलॉजी दे आर यूज टू ट्रीट. इसमें क्या करते हैं कि किस बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस पैथोलॉजी को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है. जैसे एनर्जेसिक्स पेन के लिए होती हैं, एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन के लिए होती हैं, एंटीकॉगुलेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कैंसर्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी साइकोटिक्स, एंटी वायरल, एंटी एंटी जो हैं वो सब इनके अगेंस्ट काम करती हैं. सेडेटिव्स नींद के लिए, एंटी डायबिटिक डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कार्डियोवैस्कुलर जो अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे काम करती हैं. OTC ड्रग्स एक ये है, ये क्लासिफिकेशन में आता है OTC ड्रग्स. OTC ड्रग्स क्या होती है, ओवर द काउंटर ड्रग्स. इनको कोई लीगल रिकॉग्निशन नहीं है इंडिया में, लेकिन ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं. जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो सारी थी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स. प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड पे, जो पेशेंट को देगा
वही उसी को बेच सकते हैं, मतलब दुकान वाला उस मेडिकल शॉप वाला या फार्मेसी तभी ये दवाई सेल करेगी अगर पेशेंट के पास प्रिस्क्रिप्शन है इन दवाइयों का। तो इनको क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। और ओटीसी ड्रग्स या ओवर द काउंटर ड्रग्स वो होती है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, मतलब इनके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है। वैसे तो ये लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स जो हैं वो मेडिसिन हैं जो शेड्यूल्स में मैंशनड हैं, जिनके बारे में अभी तक पढ़ रहे थे। और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच कंटेन्स प्रोविजन्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अंडर गिवन शेड्यूल्स एंड देयर आर गाइडलाइंस फॉर द स्टोरेज, सेल, डिस्प्ले एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ईच शेड्यूल। देन नोटेबल शेड्यूल्स एंड देयर समरी, जो नोटेबल कई ड्रग्स को अलग अलग शेड्यूल्स में क्लासिफाई किया गया है, ए से लेके वाई तक शेड्यूल्स हैं अलग अलग बहुत सारे। उसमें से जो इम्पॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए वो शेड्यूल्स ये हैं। शेड्यूल जी, मोस्ट ऑफ दीज ड्रग्स आर हार्मोनल प्रिपरेशन। शेड्यूल जी की जो ड्रग्स हैं हार्मोनल प्रिपरेशन होती हैं। द ड्रग लेबल मस्ट डिस्प्ले द टेक्स्ट कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन प्रोमिनेंटली। तुमने कई दवाइयों में लिखा देखा होगा, उसमें कॉशन में लिखा रहता है कि इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना ये दवाई न लें। एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंसेस अंडर दिस शेड्यूल, टेस्टोलैक्टोन, हाइड्रोक्सी यूरिया, कार्बिटामाइड, प्रिमिडोन एक्सेट्रा। फिर आती है शेड्यूल एच ड्रग्स। एच ड्रग्स में की जो शेड्यूल ड्रग्स हैं इस शेड्यूल में, उनकी जो ड्रग का लेबल होता है उसमें RX लिखा होना चाहिए एंड शेड्यूल एच ड्रग लिखा होना चाहिए। और वार्निंग क्या होती है, वही टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, मतलब ये भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का अगर प्रिस्क्रिप्शन हो तभी दी जा सकती है। इट कैन ओनली बी सप्लाइड टू लाइसेंस्ड पार्टीज, इट कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन एंड ओनली द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी सोल्ड। और जितनी अमाउंट उसमें लिखा है, 5 दिन की लिखी है, 10 दिन की लिखी है, जितनी दवाई लिखी है उतनी ही बेची जाती है। द टाइम एंड डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी नोटेड, और ये जो फार्मेसी है मेडिकल शॉप है वो इसमें डेट एंड टाइम ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को नोट करती है। इसमें क्या एग्जाम्पल शेड्यूल एच ड्रग्स के क्या हैं, एंड्रोजेनिक, एनाबॉलिक, जेस्ट्रोजेनिक एंड प्रोजेस्टेशनल सब्सटेंसेस। हार्मोन्स हैं एल्प्रेजोलोम नींद के लिए, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, आइबुप्रोफेन, वैसोप्रेसिन एक्सेट्रा, ये सारी शेड्यूल एच ड्रग्स हैं। देन शेड्यूल एक्स, ऑल द रेगुलेशंस ऑफ शेड्यूल एच अप्लाई, द रिटेलर मस्ट कीप अ कॉपी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2 ईयर्स। इसमें जो शेड्यूल एच में जो थे वही सारे रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं, लेकिन इसमें जो रिटेलर है शॉप वाला उसको प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी जो है फोटो कॉपी अपने पास 2 साल तक संभाल के रखनी पड़ती है। द ड्रग्स मस्ट बी केप्ट अंडर लॉक एंड की, और शेड्यूल एक्स की जो ड्रग्स हैं वो लॉक एंड की में रखी जाती हैं, एग्जाम्पल सीकोबार्बिटॉल, ग्लूटेथमाइन एक्सेट्रा। देन शेड्यूल जे, शेड्यूल जे क्या होता है, इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ वेरियस डिजीजेस एंड कंडीशंस दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड अंडर एनी ड्रग करेंटली इन मार्केट, नो ड्रग मे लीगली क्लेम टू ट्रीट दिस डिजीजेस। शेड्यूल जे में कौन सी हैं, वो डिजीजेज और कंडीशंस की लिस्ट है जिसकी कोई दवाई मार्केट में नहीं है और कोई भी ड्रग लीगली ये क्लेम नहीं कर सकती कि हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो ये थे नोटेबल शेड्यूल्स। शेड्यूल्स अलग हैं और क्लासिफिकेशन अलग है। ये शेड्यूल्स है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ने दिए हैं शेड्यूल्स बहुत सारे, ये जो मैंने बताए ये सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले शेड्यूल्स हैं, ये अपने को पता होने चाहिए। देन प्रेगनेंसी ड्रग शेड्यूल्स एंड टेराटोजेनिक रिस्क, ये है प्रेगनेंसी में दवाइयाँ क्या इफेक्ट करती हैं पेशेंट फीटस को, क्या रिस्क है। टेराटोजेनिक होता है, टेराटोजेनिक का मतलब जो फीटस जब मदर के पेट में होता है उस समय उसमें जो एबनॉर्मलिटी आती है उसको टेराटोजेनेसिस कहते हैं, अगर किसी दवाई की वजह से। तो द प्रेगनेंसी कैटेगरी ऑफ अ मेडिकेशन इज एन असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ फीटल इंजरी ड्यू टू द फार्मास्यूटिकल, की किस दवाई की वजह से फीटस में क्या खराबी आ सकती है। If it is used as directed by the mother during pregnancy, अगर वो मदर प्रेगनेंसी में किसी दवाई को खाती है तो उससे बच्चे में
क्या रिस्क होती है ये हम ये कैटेगराइज किया है. इट डज नॉट इंक्लूड एनी रिस्क कन्फर्ड बाय फार्मास्यूटिकल एजेंट्स और देयर मेटाबोलाइट्स इन ब्रेस्ट मिल्क. ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए नहीं है, सिर्फ प्रेग्नेंट मदर के लिए है. कैटेगरी ए में कौन सी ड्रग्स आती हैं? कंट्रोल्ड स्टडीज इन वुमेन फेल टू शो अ रिस्क टू द फीटस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फीटल हार्म अपीयर्स अनलाइकली. तो प्रेगनेंसी के लिए कैटेगरी ए बी सी डी एंड एक्स में डिवाइड की हुई है ड्रग्स को, जिसमें ए कैटेगरी में वो ड्रग्स हैं जिनसे ट्रायल से ये शो होता है कि इसके लेने से फीटस में कोई हार्म नहीं होता है. तो कैटेगरी ए ड्रग्स सेफली प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं. देन कैटेगरी बी ड्रग्स. कैटेगरी बी ड्रग्स में एनिमल रिप्रोडक्शन स्टडीज हैव नॉट शोन अ फीटल रिस्क और एडवर्स इफेक्ट. कि एनिमल रिप्रोडक्शन स्टडीज जो हुई हैं उसमें तो कोई फीटल रिस्क और एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन रिस्क हैव नॉट बीन कंफर्म इन कंट्रोल स्टडीज इन वीमेन. लेकिन वीमेन में, ह्यूमंस में ये स्टडी नहीं की गई है. ठीक है, एनिमल्स में तो नहीं है कोई इफेक्ट, फीटल रिस्क नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये स्टडी जो है तो वो कैटेगरी बी ड्रग्स है जिनकी स्टडी ह्यूमन फीमेल्स में नहीं की गई है. देन कैटेगरी सी ड्रग्स. आइदर स्टडीज इन एनिमल्स हैव रिवील्ड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द फीटस एंड देर आर नो कंट्रोल स्टडीज इन वीमेन और स्टडीज इन वीमेन एंड एनिमल्स आर नॉट अवेलेबल. कैटेगरी सी में वो ड्रग्स के रखी गई हैं जिसमें या तो एनिमल्स पे स्टडीज करने पे एडवर्स इफेक्ट्स मिले हैं फीटस पे, या वीमेन पे कोई कंट्रोल स्टडीज नहीं है, या वीमेन अवेलेबल और या एनिमल्स अवेलेबल ही नहीं थे स्टडी के लिए. तो कैटेगरी सी ड्रग्स. तो इससे हमें समझ में आता है कि जो कैटेगरी सी में ड्रग्स हैं वो अपने को नहीं देनी है. कैटेगरी डी. देयर इज कन्फर्मेशन ऑफ ह्यूमन फीटल रिस्क बट द बेनिफिट्स फ्रॉम यूज इन प्रेग्नेंट वुमेन मे बी एक्सेप्टेबल डिस्पाइट द रिस्क. अब डी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी डी की ड्रग्स वो हैं जिसमें ह्यूमन फीटल रिस्क होता है. हमको पता है कि इसको हम प्रेग्नेंट फीमेल अगर इसको कंज्यूम करेगी तो रिस्क होगा, बट उस दवाई के जो बेनिफिट्स हैं प्रेग्नेंट वुमेन को वो एक्सेप्टेबल हैं डिस्पाइट द रिस्क. मतलब कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट कोई बीमारी है या मेजर उसका कोई ट्रीटमेंट करना है कि मदर के लिए बहुत ज़रूरी है और मदर को फ़ायदा करेगी, लेकिन हमको पता है ये नुकसान फीटस को करेगी, लेकिन फिर भी हम देते हैं, तो ये है कैटेगरी डी ड्रग्स. देन कैटेगरी एक्स. एनिमल एंड ह्यूमन स्टडीज हैव शोन फीटल एबनॉर्मलिटीज. द ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वीमेन हु आर और मे बिकम प्रेग्नेंट. अब कैटेगरी एक्स है, एक्स को तो बिल्कुल क्रॉस ही कर दो. मतलब बोथ एनिमल और ह्यूमन स्टडीज में शो किया है कि इसको खाने से फीटल एबनॉर्मलिटीज होंगी ही, तो इस ड्रग को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. जो प्रेग्नेंट हैं या होने वाली हैं उनको ये दवाई बिल्कुल भी नहीं दी जाती है. थैंक यू. नाउ हियर द ड्रग क्लासिफिकेशन इज़ फिनिश्ड.